हेलो गाइस डियर लर्नर्स, दिस साइड अंकुर बंसल, एजुकेटर एट द एकेडमी प्लस। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आप जानोगे अननोन फैक्ट्स अबाउट द हाइड्रोजन। सो गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, बट फिर भी हाइड्रोजन को हम कई कलर से बुलाते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है तो इन कलर कोड्स का क्या मीनिंग है, ये क्यों यूज किए जाते हैं? तो गाइज, इन कलर कोड्स को हम यूज करते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट वो सोर्स जहां से हम हाइड्रोजन मिली है या वो प्रोसेस जिससे हमने हाइड्रोजन को बनाया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन हम तब बोलते हैं जब हाइड्रोजन को हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर से बनाया हो, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज की है वो इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल सोर्स से बनी हो, तो ऐसी हाइड्रोजन को बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम फॉसिल फ्यूल्स या फिर स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन से जब हाइड्रोजन को बनाते हैं, तो गाइज ऐसी हाइड्रोजन को हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, बिकॉज ऐसी हाइड्रोजन में कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होते हैं, और ये हाइड्रोजन रिफाइनरीज में बहुत बड़े स्केल पर बनाई जाती है। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन को कैप्चर करके, उस कार्बन को जो जनरेट हो रहा है उसको कैप्चर करके हम अगर अंडरग्राउंड स्टोर कर दें, तो कार्बन कैप्चर होने के बाद ये जो ग्रे हाइड्रोजन थी इसे बोला जाएगा ब्लू हाइड्रोजन, बिकॉज जो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हुआ था उसे हमने एनवायरमेंट में नहीं जाने दिया, स्टोर करके अंडरग्राउंड डिपॉजिट कर लिया। इसी के साथ साथ एक होती है ब्लैक हाइड्रोजन और एक होती है ब्राउन हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन कोल से बनाई जाती है। जी हाँ, गैसिफिकेशन ऑफ कोल से बनने वाली हाइड्रोजन को हम ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन बुलाते हैं। अगर ये कोल बिटुमिनस कोल है तो उसे बोला जाएगा ब्लैक हाइड्रोजन, और अगर ये कोल लिग्नाइट कोल है तो इसे बोला जाएगा ब्राउन हाइड्रोजन। और इसके साथ साथ अगर कोई नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है जो हमें नेचर से मिलती है तो उसे बोला जाता है व्हाइट हाइड्रोजन। गाइस, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल से बनाई जाने वाली जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को बोला जाता है पर्पल हाइड्रोजन। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कोड्स हम हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के कलर कोड्स यूज होते हैं, जैसे कि टोर्टोइस हाइड्रोजन एंड मेनी मोर। तो गाइस, आई होप इस वीडियो को मैं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी पर्सनल गाइडेंस में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड अंकु 073 यूज कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।